नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। लिपि ग्रेड सेकंड अथवा कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु नियुक्ति हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस संदर्भ में हम विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने के संबंध में। इस नोटिफिकेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर 22/5/2020 का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं इस विभाग को आवंटित समस्त अभ्यर्थी गण संलग्न सूची अनुसार कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने हेतु आपका मूल फॉर्म इस विभाग को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 27/5/2020, डेट कौन सी हमारे पास में 27/5/2020 को प्रातः 11 बजे से आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग नंबर 1 सहेली मार्ग चेतक सर्कल उदयपुर कार्यालय में किया जाएगा। तो यहाँ एड्रेस दिया गया है, सहेली मार्ग चेतक सर्कल उदयपुर कार्यालय में। डेट कौन सी है 27/5/2020, समय क्या है 11 बजे से। आप अपने मूल दस्तावेजों सहित इस विभाग में उपस्थित होवें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त निम्न मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी 2-2 स्व प्रमाणित फोटो प्रति अपने साथ लेकर आवें। नंबर 1 है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। नंबर 2 है प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। नंबर 3 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र। जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित। किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं होने का शपथ पत्र। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का शपथ पत्र। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो। कंप्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। आयु में छूट प्राप्त की हो तो छूट प्राप्त करने की श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र। आधार कार्ड, स्वयं के पासपोर्ट साइज के 2 फोटो। इस संबंध में किसी भी जानकारी हेतु दूरभाष नंबर 2428721 या 24 पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची यहाँ दी गई है, जिन्हें 27/5/2020 को नियुक्ति अधिकारी आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को आवंटित जो अभ्यर्थी हैं, नॉन TSP क्षेत्र एवं TSP क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची यहाँ संलग्न की गई है। तो इन अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है 27/5/2020 को प्रातः 11 बजे, TSP एंड नॉन TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों को। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के द्वारा LDC भर्ती परीक्षा 2018 में नियुक्ति संबंधी दस्तावेज के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करूंगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBCV HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।